हेलो गाइस, टुडे वी आर बैक विद अवर न्यू वीडियो गाइस। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक्स ऑफ माय ऑल स्टूडेंट्स हु हैव सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑलवेज लाइक माय वीडियोस एंड शेयर विद देयर फ्रेंड्स, एंड देयर फ्रेंड्स कैन आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड गेट बेनिफिट्स फ्रॉम माय वीडियोस। तो स्टूडेंट्स, बाकी सबको छोड़ते हैं, सबसे पहले बात हम बात करने वाले हैं अपने 17 अगस्त और 24 अगस्त का जो आई एल सी एग्ज़ाम होने वाला है, उनके जो स्पीकिंग टेस्ट होंगे गाइस, उनके लिए आपके लिए कुछ क्यू कार्ड्स, कुछ इंट्रो एंड डिस्कशन टॉपिक्स लेकर आया हूँ गाइस। तो ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स जो होने वाले हैं गाइस, वो इन्हीं में से पूछे जाने वाले हैं। ये भी मैं बहुत बच्चों की डिमांड पर बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछली बार भी जो वीडियोस बनाई थी गाइस, उनमें से ज़्यादा जो क्यू कार्ड्स थे, जो टॉपिक्स थे, वो उन्हीं में से पूछे गए थे गाइस। एक तो शायद गर्ल्स थी शायद, उसका नाम यार दिव्या नाम था, बट उसने कहा था कि सर मैंने पहले आपकी वीडियोस नहीं देखी, बट उसके फ्रेंड ने सजेस्ट किया, आफ्टर एग्ज़ाम उसने देखा कि क्या पता कुछ आया हो क्या नहीं आया। तो उसने जैसे ही मैंने गाइस चैनल को ओपन करके देखा, तो उसमें से जो भी क्यू कार्ड थे, इंट्रो डिस्कशन टॉपिक्स उससे पूछे गए थे, वो बिल्कुल सेम ही थे। तो बाद में उसने कमेंट किया कि सर मैंने पहले आपकी वीडियो नहीं देखी, तो की बार दोबारा एग्ज़ाम फील करूँ तो आपकी वीडियो जरूर देखूँगी। तो गाइस आपके साथ ऐसा ना हो तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए आज बात करते हैं क्यू कार्ड्स और इंट्रो डिस्कशन टॉपिक्स के बारे में गाइस। ओके, तो प्लीज़ इन ध्यान से देखिए गाइस। ओके, तो चलिए बात करते हैं इनके बारे में। तो गाइस फर्स्ट टॉपिक जाना बना क्यू कार्ड्स आपको बताने वाला हूँ। तो पहले आप क्यू कार्ड देख लीजिए अच्छे ढंग से और इन्हें अच्छे से समझ लीजिएगा भाई। टॉक अबाउट ए प्लेस वेयर यू स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स। व्हाट इज इट, वेयर इज इट, व्हाई डू यू गो देयर, एंड व्हाट डू यू लाइक अबाउट द प्लेस। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे कैसे भी आइडियाज़ आप बना सकते हैं, पहले अच्छे से प्रिपेयर करते जाइएगा गाइस। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप सिर्फ यही प्रिपेयर कीजिएगा, बट आप एग्ज़ाम में स्पीकिंग एग्ज़ाम जाने से पहले इनको एक बार जरूर रीड कीजिएगा गाइस। ओके, अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। सेकेंड क्यू कार्ड है गाइस, टॉक अबाउट समवन हु एनकरेज यू टू अचीव गोल्स। हु इज़ द पर्सन एंड हाउ हिज सी related to you, how does he see encourage to you. Okay guys, fourth cue, something about the person which you like the most. Okay guys, तो ये भी एक things है आपके लिए, इसे भी अच्छे से दीजिएगा। Okay guys, तो exam में जाने से पहले आप इन क्यू कार्ड, थर्ड क्यू कार्ड की बात करते हैं guys. Describe an occasion when you received an incorrect information. What was the incorrect information? When did it happen? And why did it happen? How you manage this situation? Okay guys, तो ये थर्ड क्यू कार्ड आपका। चलिए गाइस फोर्थ क्यू कार्ड की बात करते हैं, पर उससे पहले आपको एक चीज बता दूं गाइस, इस चैनल पर जो प्रोडक्शन वीडियोस में हमेशा बनाता रहता हूँ, जो कि आपकी रिक्वेस्ट से बहुत ज़्यादा कि प्रोडक्शन वीडियो सर बना दीजिएगा, क्योंकि उसमें से गाइस अगर जो मेन बात हमारी राइटिंग टास्क टू की गाइस, तो वो ऑलवेज राइट ही आता है गाइस। बहुत ही कम चांसेस होता है कि वो थोड़ा बहुत लोगों चला जाए, बट जो टास्क टू होता है वो ऑलवेज राइट ही आता है। तो आपको अगर उस तरह के प्रोडक्शन वीडियो में चाहिए जो कि अप्रोक्सीमेटली राइट ही होती है, तो आप तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके गाइस, और हम ग्रामर कोर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स, जो कि हिंदी मीडियम से बच्चे हैं जिन्होंने अभी नई नई एस ज्वाइन किया है, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, क्योंकि मैं अब अपने इस चैनल पर वो कोर्स भी शुरू करने जा रहा हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी कुछ वोकैबुलरी आपको प्रोवाइड करवा दे करूँगा गाइज। ओके, तो चलिए फोर्थ क्यू कार्ड की बात करते हैं। डिस्क्राइब ए गुड लॉ इन योर कंट्री। व्हाट इज़ द लॉ, how you come to know about the law. Okay guys, and what does it affect and why is it good. Fifth cue card is an important decision you made with help of someone. What was the decision, who helped you,
how he helped you. Okay guys, so these are the 5 cue cards guys that may ask from you in your IELTS exam. Okay guys, and also guys, most of the students are requesting me to make a provide writing sample, so I have made a video on it. You can go on my channel and see that 615 bad writing sample that I have taken from my students' books. He has given their exam 2 times, but he got only 5.5 in reading. He want to apply for Canada, so he decided to give their exam again and again. Okay guys, so usne jitni bar bhi exam diya guys, usne hamesha 615 leke aaya writing mein aur 7 speaking mein guys. Okay, to aap uski believe kar sakte hain, wo bhi bahut acha students hai guys. Okay, उसकी नोटबुक मैंने आपको चेक करके प्रोवाइड वो चीज़ करवाई है. ओके गाइस, और आपके राइटिंग टॉपिक टास्क 2 के रिलेटेड कोई भी आप भी कोई दिक्कत आपको फेस करनी पड़ता वो भी मेरे चैनल पर पूछ सकते हैं, उस पर भी वीडियो बना दिया करूँगा गाइस. ओके, और स्टूडेंट्स ग्रामर की आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती कह रहे थे मैं बता दिए, तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं गाइस, मैं उस पर भी वीडियोज़ बना दूँगा. ओके गाइस, जैसे कोई बात नहीं है. ओके, तो उस पर भी वीडियो बना दिया करूँगा गाइस. चलिए गाइस, हम टॉपिक्स की बात करते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये अब वो टॉपिक होने वाले हैं गाइस जिनके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि आप में से टॉपिक इन्हीं में से ही पूछे जाने वाले हैं गाइस. ओके, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ा, इसलिए मैं थोड़ी वीडियो लाने में लेट हो गया. पहले मैं 20-25 डे पहले ही बना देता हूँ. मतलब कई बार मैंने जो ऐसे एग्ज़ाम पिछले गए हैं उन बच्चों से ज़्यादा कॉन्टैक्ट बना के रखे, तो इसलिए मैं सबका जो क्यू कार्ड्स वगैरह इंटरव्यू क्वेश्चन लेने के बाद जो डिसीजन लिया उसके बाद मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ गाइस. तो यकीन मानिए आप मेरा, अगर आपने इन टॉपिक्स को जो मैं बताने वाला हूँ इनको अच्छे से आप यही रीड करके गए, तो आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा जो वरी करने की एग्ज़ाम के बारे में. आप ईज़िली, मैं कहता हूँ बिल्कुल ईजी, आप आराम से अच्छा स्कोर ले जाएंगे. 6.57 तो आप ईजिली कर जाएंगे, आपको ज़्यादा उसमें वरी करने की जरूरत नहीं गाइस. आपके बिलीव करने के लिए आपको बता दूं, मैंने पहले ही बहुत सी वीडियो बनाई है गाइस, इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ इसी में से पूछी गई थी गाइस. ओके, तो प्लीज़ आपसे मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम में जाने से पहले आप प्लीज़ इनको रीड करके जुड़ जाइएगा गाइस. उनके बारे में कैसे क्वेश्चन पूछे हैं वो भी आपको बताता जाऊँगा गाइड आज के. फर्स्ट ऑफ ऑल, अब बात करें हम लाइक कैसे एजुकेशन की, एजुकेशन लाइक सबसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में सबसे पहले क्वेश्चन, कि एजुकेशन के बारे में क्या चाहिए. बाद में आप सेकंड क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं कि एजुकेशन की चीज़ है आपके देश में, कैसा एजुकेशन है, अच्छा है, प्रोवाइड है, कैसा नहीं. इसके तरह के टॉपिक लेके मैं आपसे ये भी पूछता है कि आप कहीं फॉरेन जाएंगे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए. ओके गाइस, तो आप सोच समझ के आंसर दीजिए कैसे क्या बोलना है कैसे नहीं बोलना. ओके गाइस, वो आप पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं गाइस. ओके, सेकेंड है गाइस होम टाउन के बारे में, जो तो आपके होम टाउन के बारे में पूछ सकते हैं. आप जैसे ही बोलना चाहते हैं उस पर अच्छी वोकैबुलरी तैयार कर लीजिएगा. क्या कैसे बिल्डिंग्स के बारे में बोल रहे हैं, कैसे होम टाउन की फैसिलिटीज़ के बारे में पूछना, कुछ ही पूछ सकते हैं गाइस आपके होम टाउन के बारे में, उनके बिल्डिंग स्ट्रक्चर के बारे में, उनके बारे में कैसी फैसिलिटीज़ है, ये भी पूछ सकते हैं गाइस. ओके, तो इनका भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे थोड़ी देर पहले जो बच्चे गए थे उनसे उन्होंने ये टॉपिक जब पहले किए हुए थे, बट फिर भी बहुत उलझ गए कि हमें किस चीज़ का कैसा आंसर देना है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, कैसे उन्हें स्पीक करना है गाइस. तो ओके, आप इसे भी ईजिली रीड कर लीजिएगा. थर्ड है गाइस सिनेमा, सिनेमा के बारे में गाइस ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंट्रोडक्शन में ही पूछा जाता है. तो सिनेमा के बारे में आपसे पूछ रहे थे कि आप ज़्यादा सिनेमा में जाते हो, तो आपको ऐसा नहीं करता कि हाँ हम जाते हैं, आपको पहले नो का ही आंसर देना है कि आप ज़्यादा लाइक नहीं करते, तो फिर ही आपकी इंटरेस्ट ज़्यादा बड़ी कर देगा इस सिनेमा पर, क्यों नहीं जाते. तो वो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके ऐसे पूछेगा क्यों नहीं जाते. यू कैन से दैट आई एम स्टूडेंट, आई डोंट हैव टाइम टू गो द सिनेमा, बट वंस ए वीक आई कैन गो माई सिनेमा विद माई फ्रेंड्स एंड आई कैन एंजॉय. ओके गाइस, तो सिनेमा का टॉपिक बहुत ही सौखा है, आप इसे ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं, थोड़ा लंबा भी ले जाएंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है. अगर आप इसे जल्दी से फिनिश कर देंगे तो स्टूडेंट्स आपके लिए ये लॉस की बात है. ओके गाइस, तो ऐसे टॉपिक्स आए तो ये तो गोल्डन चांस है आपके लिए, तो इन्हें आप गंवाना नहीं है, इन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करना है और रीड करना है गाइस आके. तो फोर्थ है एक्सरसाइज एंड योगा के बारे में गाइस, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि लोग ऑफ वार्क एंड पहले सोसाइटी के बारे में पूछ सकते हैं, किस तरह के लोग एक्सरसाइज एंड योगा पसंद करते हैं चीज़ें, और यंग ज़्यादा पसंद करते हैं या ओल्ड पसंद करते हैं, ये भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो आपको इनको भी थोड़ा अच्छे से ध्यान में देना है कि कैसे आपको इनकी वोकैबुलरी यूज, आप जो जाने से पहले वोकैबुलरी है इनकी अच्छे से यूज रीड कर लीजिएगा. ओके गाइस, बिल्डिंग स्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकते हैं, एंट्रो टॉपिक्स के आपके बारे में. और स्टूडेंट्स एक और थिंग्स है जो पीछे बार जो एग्ज़ाम्स हुए स्पीकिंग के, तो उनमें बहुत ज़्यादा पूछी गई थी, वो थे स्टूडेंट्स इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के बारे में गाइस. टेक्नोलॉजी रिलेटेड पूछा गया था कि इंटरनेट यूज करते हैं क्यों नहीं करते,
क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, जो टॉपिक ईजी हैं बट थोड़ा बहुत कई बार स्टूडेंट्स उसमें उलझ से जाते हैं, कैसा रिप्लाई हम देना है कैसा नहीं देना कि जिससे हम अच्छा स्कूल ले सकें। तो वो थोड़ा आप अच्छे से रीड करके जाइएगा इनके क्वेश्चन को भी। ओके, बोलते हैं सन ग्लासेस के बारे में गाइस। ओके, तो सन ग्लासेस के बारे में आपसे टॉपिक पूछे जा सकते हैं कि क्या आप सन ग्लासेस पहनते हैं। तो वो टॉपिक तो ईजी है गाइस, टॉपिक ज़्यादा बड़े नहीं है, मतलब टॉपिक कुछ ज़्यादा खास बात नहीं है, बट इनकी जो आपको लैंग्वेज रखनी है, आपको जो रिप्लाई देना है उनका स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। ओके गाइस, फिर ही आप अच्छा स्कोर अचीव कर पाओगे। ओके, चलिए बात करते हैं आगे हम डिस्कशन टॉपिक्स की गाइस। तो डिस्कशन का टॉपिक सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक पता है क्या चल रहा है गाइस पिछले एग्जाम्स में, वो है ट्रैवलिंग पर। जो तो पीपल्स होते हैं हमारे इधर, जैसे इंडियन पीपल की बात करते हैं, जो अदर कम्युनिटी जो कंट्रीज में जाते हैं, तो उनके बेनिफिट्स क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं, अच्छा है उनके लिए नहीं है, वो कैसे उनके लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर पाते हैं, जो ऐसे कुछ टॉपिक कुछ जा सकते हैं आपसे ट्रैवलिंग के बारे में। ओके, दूसरा बात करें स्पोर्ट्स गेम्स। ओके, स्पोर्ट्स गेम्स पर भी डिस्कशन टॉपिक्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, स्पोर्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आप कहीं भी तैयारी भी अच्छे से कर लीजिए गाइस। थर्ड है गाइस टेक्नोलॉजी रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड या वो अपनी वोकैबुलरी को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, अच्छे से वोकैबुलरी अपनी पहले इकट्ठी कर लीजिए, क्या क्या आपको वोकैबुलरी वहाँ पर अच्छे से बोलनी है, क्योंकि ये टॉपिक ज़्यादा चांसेस है आपसे डिस्कशन में इनमें से एक आधा टॉपिक हो 100% पूछा जाने वाला है। इसका क्या है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड भी आपसे टॉपिक बहुत पूछे जा सकते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड टॉपिक भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर है गाइस वेदर पर, वेदर पर ही गाइस आपसे आज बहुत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए आप इससे भी तैयारी जरा ढंग से कीजिएगा कि वेदर पर हम क्या क्या वोकैबुलरी बोलनी है, क्या क्या चीज़ कैसे प्रिपेयर करनी है, वेदर की और जैसे कि डिशेज़ की वोकैबुलरी कैसे होती है, जैसे कि हम स्वीट स्वीट मौसम का स्वीट नहीं होता गाइस, मैंने बच्चे की स्पीकिंग ली थी तो वो ऐसे कुछ वोकैबुलरी बोला, तो उससे मैंने फिर बढ़िया वोकैबुलरी वेदर के बारे में प्रोवाइड कराई थी, ऐसे कहीं आपके साथ ना हो इसलिए आप पहले तैयारी कर लीजिएगा। फिर गाइस मैप, मैप के बारे में बहुत अच्छी डिस्कशन हो सकती है, तो आप प्लीज़ मैप का टॉपिक भी करके जाइएगा। इलेक्ट्रॉनिक मैप आपको मकर राशि में देखने को मिल जाएगा ये टॉपिक, तो आपको इसके भी प्रिपेयर कर लीजिएगा, बट रट्टा नहीं मारना गाइस, आपको प्रिपेयर अपने खुद से ही करना है। ओके गाइस, आगे टॉपिक्स है गाइस प्लांट्स। तो ये टॉपिक थे गाइस जो आपको अच्छे से रीड करके जाने हैं बिफोर गोइंग योर एग्ज़ाम। ओके गाइस, फिर भी आप एक बार देख सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ इन अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और अपना एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा, अच्छा स्कोर लीजिएगा गाइस। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके बेनिफिट आपके अदर फ्रेंड्स हैं वो भी बेनिफिट ले सकें। ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।